हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। BA फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट हैगा वा पंजाबी लोक धारा। सब तो यूनिट पहली दी गल कर रहे हैं असी लोक धारा का सिद्धांत। अज असी गल करांगे अज दे वीडियो च लोक धारा की परिभाषा देंदे हुए इसके खेत्र की। इस तो बाद आप अगे अगे चलांगे, सारे टॉपिक्स नू कवर करांगे। ठीक है, तां सब तो पहला लोक धारा शब्द अंग्रेजी भाषा तो लिया गया, सानू ये क्लीयर आ। ठीक है, फोकलोर पंजाबी समानार्थक के रूप में वरत्या जाता है। इस शब्द की वरतों सब तो पहला 1846 ईस्वी के अंग्रेजी विद्वान विलियम जॉन थॉमस ने की सी। 19वीं सदी में पच्छम लोकधारा का अध्ययन काम आरंभ हो चुका सी। 1888 अमेरिका के फोकलोर फोकलोर सोसायटी का गठन होने लगा। फोकलोर शब्द तो पंजाबी का लोकधारा लिया गया वा। ठीक है, जिवें पहला दस्या एक संगठन जिहड़ा एक सोसाइटी बनी सी, इस नाल इह शब्द होर भी स्वीकृत हो गया। स्वीकृत मतलब स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अगे है साडे कोले पंजाबी विच लोकधारा दे अध्ययन दा काम विदेशी पुरातत्व विद्वानियां ने मानव शास्त्रियां ने आरंभ कीता सी, जिन्हां विच कनिंगम रिचर्ड टैंपल, ठीक है, ग्रीनियसन विलियम क्रुक नाँ दे प्रसिद्ध वर्णन योग विज्ञानी सन। पुरातत्व विज्ञानी मतलब जिहड़े पुरानियां खोजां करदे ने। ठीक है, उन्हां दी लीह ते चलदे आरंभ विच राम शरण दास, देविंदर सत्यार्थी, हरजीत सिंह, महेंद्र सिंह रंधावा, शेर सिंह, गुरदित सिंह, अमृता प्रीतम, डॉक्टर वंजारा बेदी, अवतार सिंह, दलेर करतार सिंह, शमशेर, इन्हां ने काम कीता। इस तों इलावा होर भी बिक्रमजीत सिंह घुम्मन, कुलवंत सिंह, औलख, करमजीत सिंह, इकबाल कौर, नाहर सिंह, इन्हां दा नाम भी आउंदा। ठीक है, फोकलोर शब्द की वरतों सब तो पहला बाबा बुद्ध सिंह ने की सी, डॉक्टर बंजारा बेदी ने, इसलिए लोकधारा च डॉक्टर हरभजन सिंह ने लोक वेद, करनैल सिंह थिंद ने इस विच लोक यान शब्द की वरतों की है। बड़ा जरूरी है, जिहड़े पॉइंट मैं दस रहा नोट आउट कर लो। बाकी इहदी PDF फाइल जां ये पढ़न वास्ते तुहानूं वैबसाइट ते मिल जाएगा, उहदा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन च प्रोवाइड कर दूंगा। उत्थे जाके तुसीं इस नूं दुबारा भी रीड आउट कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट्स भी लै सकते हो। ठीक है, तो उत्थे जाके जरूर विजिट करके एक बार इस चीज़ नूं पढ़ियो, डाउनलोड करियो। ठीक है, डॉक्टर बेदी का कहना है कि लोकधारा शब्द अंग्रेजी भाषा के फोकलोर दे सारे डिसिप्लिन नूं विचारन ते उस दे बहुविध रूपां दे चरित्र नूं समझण मगरों सिरजा गया है। उसने लोक दे नाल जोड़े धारा शब्द नूं लोक मन ते परंपरा दे असीम परिवार दा प्रवाह दा बदल समझिया। हर धारा पिछे एक इतिहास हुंदा है ते परंपरा दा प्रसार हुंदा है। ठीक है, तां अगे वी लिखिया होया, अगे परिभाषा की गल करदे आं की सी हो गया। हुण परिभाषा की गल करदे आं, भिन्न भिन्न विद्वानां वल्लों लोक धारा दीआं भिन्न भिन्न परिभाषावां दित्तियां गईआं ने। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन ब्रिटिन ब्रिटैनिका विच लोकधारा की भाषा विच एक प्रकार दिता गया। लोकधारा शब्द आम करके परंपरागत विश्वासां, वहमां भरमां, शिष्टाचारां, रस्मां रिवाजां, कर्मकांडां लई वर्गत दे नाँ दे रूप में वरत्या जाता है, जो आदिकाल तो चलते आ रहे हैं। समकाली ज्ञान ते धर्म ते स्थापित पैटर्ना तो बाद खंडित सुधरे पर बदले हुए रूप। ठीक है, ये परिभाषा है ईबी टाइलर ने डिक्शनरी ऑफ द एथ्रोपोलॉजी दे विच ये लिखिया। ठीक है, बारबो ने यह चीज़ कही सी, तुसी इत्थों देख लियो। टेलर का कहना सी लोकधारा एक अजिही समगरी है जो परंपरागत रूप में प्राप्त होंदी है, मतलब सानू पुराने समय तो मिलती आ रही है। जवानी रूप में लोक गीतां, लोक कहानियां, बुझारता, अखौतां ते होर रूपों में शब्दों द्वारा सुरक्षित की गई है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर के अनुसार की है, फोकलोर शब्द जिहड़ा हैगा या धारा हैगी है मिथिक कथा वा गाथा परंपरावां विश्वास वहमां भरमां हुंदी है, इहदी परिभाषा है। हुण बहुत सारी परिभाषावां लिखियां, तुसीं कोई तिन्न याद कर लो उहदे विच्चों। ठीक है, डॉक्टर बंजारा बेदी दी जरूर याद करो कि पंजाबी दे विच आ, बाकी सारे जिहड़े ने उह साडे वैस्टर्न विज्ञानी ने। ठीक है, लोकधारा
लोक संस्कृति का प्रसार अते लोक मन की सहज अभिव्यक्ति होने करके किसी जाति की संस्कृति का मूल सच है। ठीक है, प्यारा सिंह के अनुसार भी तुसी लिख सकते हो, डॉक्टर करनैल सिंह, लोकधारा का खेत्र किड्डा क वड्डा, बहुत विशाल खेत्र है, बहुत लंबी सूची है। पहला पॉइंट आ लोक साहित्य, लोक साहित्य नूं अगों अठ वर्गां च वंडिया, लोक गीत ने इहदे विच, लोक बातां ने, लोक साहित्य दे होर रूप किहड़े ने, लोक गाथा, अखाण, मुहावरे, बुझारतां। दूजा पॉइंट साडा लोक विश्वास अते वहम भरम, इहदे च सूरज, चंद, तारे, दिशावां, महीने, दिन, जीव जंतु सब कुछ आउंदा। उसका लोक कला, लोक संगीत, लोक नाच, लोक नाट, चित्रकारी, मूर्तिकारी, बुतकारी, इमारत साजी, सारा लोक कला चाहता। बहुरीतां किहड़ा जन्म, विआह, मौत, काम धंधे, मकान, उसारी दा संबंध, रिवाजां, रीतां, विश्वासां, ये सब कुछ। ठीक है, अगे आ गया लोक शब्द, व्युत्पत्ति अते लोक भाषा, टीचरां, बोली, धंदियां, पशुआं नूं तोरन, पुचकारन, बुलाउण समय शिव शिव शब्दों की वरतों, ये की है व्युत्पत्ति, लोक भाषा। लोक किते, तरखाणा किता, लुखाणा किता, जुलाहे, दर्जी, ललारी, सुनियारा, बाजीगर, मोचीगरी, भंड, नकलीए, टप्पी वास, मदारी, ये सारे लोक किते चाहते हैं। ठीक है, अगे साडा जिहड़ा सैकेंड क्वेश्चन बनता वह हैगा लोकधारा के तत्, असी लोकधारा के तत्तों बारे भी तो स्टार्टिंग पढ़िया सी ना, किहड़े किहड़े तत् ने, मौखिकता, परंपरा, लोक मानस, लोक संस्कृति ते लोक प्रवानगी। ठीक है, एक एक बारे पढ़ते हैं आपां हुण। मौखिकता, मौखिकता की हुंदी है, पढ़ी लिखी चलती आ रही है लोकधारा, इस तरह एक व्यक्ति दूजे व्यक्ति, एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक सानू संचार का आधार मौखिकता ही हुंदी है। ये गल बहुत ही उन्हां सभ्याचारा उत्ते ढुकदी है जिन्हां विच भाषा का कोई लिखती रूप नहीं है, परंतु एलन डंडीज़ का विचार है कि लोकधारा नूं मौके उत्ते आधारित करन नाल बहुत सारिया समस्यावां पैदा हुंदियां ने। मौखिकता तो इलावा लोकधारा के होर कई मौखिक के उल्ट केवल लिखती रूप प्रगट होंदे ने। इस तो इलावा लोकधारा के कुछ रूप शरीरक हरकत उत्ते भी निर्भर हुंदे हन, जिवें लोक नाच ते खेडां। इस दे बावजूद कि मौखिक नूं लिखित परंपरा नालों वक् करना बहुत मुश्किल हुंदा है, परंतु फिर भी लोकधारा नूं आम करके मौखिक परंपरा दे संकल्प नाल जुड़िया जाता है, क्योंकि लोकधारा की समगरी मुख्य तौर पर लोगों के बोलों ते कार्यों तो ही एकत्र की जाती है। दूजी है परंपरा, ये भी सेम ही है, परंपरा लोकधारा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत् है, लोकधारा के पीढ़ी दर पीढ़ी अगे तुरते रहने के संकल्प नूं प्रगट करती है परंपरा। वंजारा विधि का कथन है कि लोक संस्कृति यात्रा सदा परंपरा मुख राही हुंदी है, सारा अडंबर लोकधारा का ही पसार है। फोकलोर सोसाइटी लंडन ने लोकधारा की परिभाषा देते क्या है कि लोकधारा परंपरा का विज्ञान है, तो ये भी याद कर सकते हो। ठीक है, अगे आ गया लोक मानस, लोक मानस भी समाज के लोगों को परंपरा वांग पीढ़ियों पीढ़ी प्राप्त हुंदी है। वंजारा विधि के कथन अनुसार लोक संस्कृति की हर मानसिक अते भौतिक प्रक्रिया के वेग का मूल स्रोत समूहिक हित हुंदा है, इस समूहिक हित नूं लोक मन कहा जाता है। लोक मन सदा जागत जोत है, जो आदि युगाद तो हर मन विच प्रकाशमान है। ये धुंधली तां पै जांदी है परंतु कदे किसी के मन विच बुझदी नहीं। ठीक है, अगे इहदे जिहड़े डॉक्टर पुन्नी अनुसार चार वर्ग जिहनूं वंडिया गया वा, अनोखा, कल्पना चिंतन, जादू टूना, चेतनवादी, रीत चिंतन, लोक संस्कृति। अगे च पैराग्राफ लिखने की लोड़ नहीं, सिर्फ पॉइंट लिख दो, बस ज़्यादा ना बताओ, पॉइंट लिख दो। ठीक है, अगे लोक प्रवानगी। ठीक है, लास्ट जिहड़ा साडा पैराग्राफ बनता उस च की लिखांगे असीं, समाज के वख वख प्रतिवान व्यक्ति समय समय से इसी तब्दीली करके उसनूं प्रवानगी दिंदे हुए अगे तोरते रहिंदे हन। रूसी लोकधारा शास्त्री सोकलफ नाँ का मत है, सोकोलफ किसी कलाकृत दे उपजाउण दी समर्था बहुत घट लोगों विच होण करके लोक साहित्य की
उत्पत्ति विच आम तौर ते लोकां दा बहुता रोल नहीं हुंदा, इह अनुभवी भावक अते हंडेवर्ती लोकां दी रचना हुंदी है। उंज लोकधारा दी समगरी विच बहुत लोक समूह दी उपज हुंदी है, बहुत लोक समूह दी उपज हुंदी है। कोई रचना भावें किसी व्यक्ति दी होवे जां समूह दी होवे, जो तक उस नूं लोक समूह दी प्रवानगी नहीं मिलदी, उह तक पीढ़ी दर पीढ़ी अगे नहीं तुरदी, ना ही उस विच परंपरा दे अंश शामिल हुंदे हन। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤੱਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੌਖਿਕ ਮਤਲਬ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੇ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। PDF ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਆ, ਸੋਰੀ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।